सावधान रहें ये तीन राशियां नवंबर तक। ऐसा क्यों कहा? जय श्री कृष्णा श्री राधे, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों ये तीन राशियां जो सावधान रहने वाली हैं, क्यों? क्योंकि देखिए शनि राहु और मंगल ये क्रूर ग्रह होते हैं, नीच ग्रह होते हैं, तो ये काम को बिगाड़ देते हैं, व्यक्तित्व को बिगाड़ देते हैं। तो जो राशियां मैं आपको बता रहा हूं वो तीन राशियों में प्रथम राशि है मेष राशि, क्योंकि तीसरी दृष्टि शनिदेव की मेष राशि पर रहेगी जहां पर राहु विराजमान है। इसके बाद में आती है कुंभ राशि जिसके अंदर स्वयं शनिदेव विराजमान हो गए हैं। तीसरे नंबर पर आती है सिंह राशि जहां पर राहु की पंचम दृष्टि है, शनि की सातवीं दृष्टि है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि है। तो ये राशियां सावधान हो जाएं और जो भी निर्णय लें उसको सोच समझ के लें। और होना क्या है, शनि क्या है, मति बुद्धि के का यानी कि बाधा कारक है, मति घुमाने वाले हैं, तो ये इनकी शत्रु राशियां होती हैं। तीसरी दृष्टि से मेष राशि के व्यक्तित्व को खराब करेंगे, मतलब ये धर्म की ओर ले जाने वाले हैं। शनिदेव अगर पॉजिटिव हैं तो आपको धर्म की ओर प्रेरित करते हैं, अगर पीड़ित हो जाए या शत्रुगत हो जाए तो ये आपको धर्म के विरुद्ध भी कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा शनि और राहु इन तीन राशियों को नवंबर तक परेशान ही करेंगे। तो कोई भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें। पहली राशि है मेष राशि, कुंभ राशि, क्योंकि शनिदेव न्यायप्रिय हैं, बड़े ग्रह हैं, तो खुद की राशि का भी जहां बैठेंगे वहां नुकसान थोड़ा सा मति के रूप में जरूर करेंगे, धर्मप्रीत काम आपसे करवा देंगे, आपकी पूजा पाठ आपको करने नहीं देंगे, आलस्य की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ध्यान रखें इन चीजों का। अगर आपको बचना है, सुरक्षित रहना है तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी की शरण में रहिए, शनिवार के दिन पीपल में जल दूध चढ़ाइए, शनिदेव को तेल चढ़ाइए, सब कुछ सही होगा। जय श्री कृष्णा श्री राधे।